Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. Please come to question number 8. सारे स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन नंबर 8 सामने रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? Perlot Limited. Perlot Limited, a non-listed company. Perlot Limited, a non-listed company, has the following capital structure. नॉन लिस्टेड कंपनी क्यों लिखा है इन्होंने? तुम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व बायबैक कर सकते हैं. हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2000 राइट हैंड साइड रुपीज इन क्रोर्स. पहले लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोर, शेयर ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली पेड. तो टोटल कितने शेयर्स हो गए इनकी बैलेंस शीट में, गेस करो. 33 करोड़ शेयर्स होंगे. नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इनकी बैलेंस शीट में? 33 करोड़. एग्रीड? तो अगर मैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट अप्लाई करूं तो हम मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. 8.25 करोड़. तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 8.25 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं. कितने लोगों ने सही किया ये? इतने सारे लोगों ने सही किया है. अमेजिंग. कहाँ थे तुम लोग इतने दिन? ज्ञान के भंडार लोग. चलिए नेक्स्ट रिसोर्स टेस्ट. तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल 330, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें है. जनरल रिजर्व उसको कंसीडर करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस. पीएनएल अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं. तो रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बायबैक प्राइस भी चाहिए ना हमें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए. बायबैक प्राइस उसके लिए और पढ़ो. लोन फंड अभी कितना है बैलेंस शीट में? 1800. द शेयर होल्डर्स ऑफ पैरट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. तो अप्रूव्ड ऑन 12 सितंबर 2001. किसने शेयर अप्रूव किया है? बायबैक किसने अप्रूव किया है? पूरा पढ़ो ना. शेयर होल्डर ऑफ पैरट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड हैव अप्रूव्ड. तो किसने अप्रूव किया है? शेयर होल्डर ने. अच्छा, तो पहले फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बोल रहे थे? जो सामने दिखा चला देने का, ठीक है. A proposal to buy back the maximum number of share considering the large surplus cash fund available at the disposal of the company, right? The prevailing market value of the company share is 25, and in order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% over market. बायबैक प्राइस क्या हुई? बायबैक प्राइस हुई 30 रुपीज. बायबैक प्राइस होगी 30, क्योंकि 25 रुपया तो मार्केट प्राइस पहले से ही है. शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने शेयर बायबैक के लिए ऑफर करो, 20% और देंगे. ऐड 20%, 30 रुपया हुआ. तो अब मैं रिसोर्स टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ. 30 रुपया बायबैक प्राइस है, ठीक है. तो
तो जिन्होंने रिसोर्स टेस्ट अप्लाई किया है चेक करना, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे, पहले शेयर कैपिटल साथ साथ लिख रहे हैं ना, शेयर कैपिटल कितना है 330, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हम कंसीडर करेंगे इस आंसर में वो है जनरल रिजर्व 240, सिक्योरिटीज प्रीमियम 90, प्रॉफिट एंड लॉस 90, ये कितना आ रहा है 420, सो पॉइंट सी हो गया शेयर होल्डर फंड। सिर्फ आपको नंबर्स चेंज करना है कल वाले और इस वाले आंसर में, तो शेयर होल्डर फंड कितना 750, फंड्स दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक, फंड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायबैक 25% करेक्ट इनटू 750 187.5 बायबैक प्राइस पर शेयर, बायबैक प्राइस पर शेयर चेक करते रहना है 25 प्लस 20% रुपीज 30। सो पॉइंट नंबर एफ क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, सिक्स पॉइंट टू फाइव करोड़। सबने सही किया है, राइट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आया आपका आंसर 8.25, रिसोर्स टेस्ट में आपका आंसर है 6.25। भी क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है मुझे। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, यानी ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, फ्री रिजर्व नहीं है, तो इसको पूरे आंसर में कहीं पे भी आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द लोन फंड ऑफ द कंपनी इज 1200 करोड़ और 1500 करोड़। तो आपको तीन लोन फंड्स दिए गए, कितनी बार सॉल्व करेंगे, तीन बार। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कितनी बार अप्लाई करेंगे, तीन बार। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में 1800 करोड़ है, बाद में सिचुएशन टू हम लेंगे 1200 करोड़ और सिचुएशन थ्री लेंगे 1500 करोड़। तो अब नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर थ्री, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट साथ साथ लिखते भी रहना है। पॉइंट नंबर थ्री, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, अब इसमें पहले लिखेंगे सिचुएशन वन, लोन फंड, हाउ मच इज लोन फंड, ओरिजिनल सिचुएशन में लोन फंड कितना है, हाँ सो लिखो लोन फंड्स इज रुपीज 1800 करोड़। अब यहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसका आधा करो कितना आया 900, और आपका जो शेयर होल्डर फंड है यहां पे देखना 750 है, और आपको मिनिमम कितना चाहिए 900, तो ये तो ऑलरेडी कम है। हेलो रुको जरा आराम से, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी आप फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें बायबैक 900 चाहिए इक्विटी, बायबैक करेंगे तो इक्विटी और घट जाएगा, तो अभी आप बायबैक करने की स्थिति में नहीं है,
तो लिखो यहां पे नोट नोट तो कई बार पहले कॉमन सेंस यूज करना है. ये 1800 है तो इक्विटी आपको कितना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो जाए, 900, और मेरी एग्जिस्टिंग इक्विटी उससे ऑलरेडी कम है तो बायबैक नहीं कर सकते हैं. सो राइट डाउन इन ऑर्डर टू अचीव, कल करवाया था ना मैंने ये, कल ये सिचुएशन 3 में हम इस स्थिति में आए थे, राइट. इन ऑर्डर टू अचीव डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 द मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू रुपीज 900 क्रोर्स. प्रेजेंट इक्विटी इनटू ब्रैकेट रुपीज 750 क्रोर्स इज लेस देन द रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक. ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रिपीट हो रहा है सिर्फ. प्रेजेंट इक्विटी ऑफ रुपीज 750 क्रोर इज लेस देन द रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक. देयरफोर बायबैक इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पर आपका डेट इक्विटी टेस्ट से आपका आंसर 0 आएगा. अगर हम डेट इक्विटी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा. अभी लिखना सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2 क्या लिखेंगे सिचुएशन नंबर 2 में. लोन फंड इज रुपीज 1200 करोर. लोन फंड इज रुपीज 1200 करोर तो 1200 का आधा करो मन में 600 और अभी कितना 750 यानी कुछ बायबैक पॉसिबल है. उसके लिए हमें अब कैलकुलेट करना होगा. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक बी एक्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ बायबैक. फ्री रिजर्व या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर. सोर्स ऑफ बायबैक इज फ्री रिजर्व. देयरफोर द एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. देख के बताना फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए है या 100 रुपए है. इज रुपीज 10. सो देयरफोर अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR विल बी हाउ मच. 10 × x 10 रुपया फेस वैल्यू है और नंबर ऑफ शेयर आप बायबैक कर रहे हैं x, तो आपको 10x अमाउंट CRR में ट्रांसफर करना होगा. एंड व्हाट इज द बायबैक प्राइस. बायबैक प्राइस 30 है. Therefore, reduction in equity share capital and reserve. ये आप लिख सकते हैं funds used for buyback. अगर मैं 30 rupees के रेट से x number of share buyback करता हूँ तो मेरा equity share capital घट जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी घटेगा. कितने से दोनों मिलाकर घट जाएगा.
30x, 30x, शेयर कैपिटल घटेगा 10x और सिक्योरिटीज प्रीमियम घटेगा 20x, तो 30x से हमारा रिजर्व घट जाएगा। तो हमारा एग्जिस्टिंग रिजर्व कितना, अभी 750, उसमें से 10x ट्रांसफर हो जाएगा सीआरआर में और 30x से शेयर कैपिटल एंड रिजर्व घट जाएगा क्योंकि आप बायबैक कर रहे हैं। तो पोस्ट बायबैक आपका इक्विटी क्या होगा, पोस्ट बायबैक इक्विटी होगा 750 माइनस 10x माइनस 30x, यहां तक लिख लिया सबने। देयरफॉर पोस्ट बायबैक इक्विटी विल बी, देयरफॉर पोस्ट बायबैक इक्विटी विल बी एग्जिस्टिंग इक्विटी माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस रिडक्शन इन इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व। तो मैंने आज थोड़ा आपको और ज्यादा डिटेल में लिखवा दिया, एग्जिस्टिंग इक्विटी 750 है माइनस 10x माइनस 30x, ओके। अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे, डेट अपॉन इक्विटी शुड बी इक्वल टू 2, डेट अपॉन इक्विटी शुड बी इक्वल टू 2, और हमने डेट केस 2 में क्या अज्यूम किया है, 1200। चेक करना, 1200 डिवाइड बाय इक्विटी की डेफिनेशन में भी ये लिखना है आपको। सो इक्विटी आफ्टर बायबैक विल बी 750 माइनस 10x माइनस 30x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू, नीचे लिखना, देयरफॉर x इक्वल टू, किसी ने सॉल्व किया है, 3.75 करोर्स शेयर्स, पूरा लिखना 3.75 करोर शेयर्स। तो अगर हम सिचुएशन 2 में है तो 3.75 बायबैक कर सकते हैं अंडर डेट इक्विटी रेशियो। एक और केस आपको दिया हुआ है, कौन सा, लोन फंड इज रुपीज 1500, सिचुएशन 3, लोन फंड इज रुपीज 1500 करोर, लोन फंड इज रुपीज 1500 करोर, या तो इक्वेशन सॉल्व करके कर लो या फिर डायरेक्टली देख के समझ में आ जाएगा। ये 750 मिनिमम चाहिए हमें, अभी एग्जिस्टिंग ही 750 है, तो जैसे ही बायबैक करोगे तो वो और कम हो जाएगा, तो बायबैक इज नॉट पॉसिबल। या फिर हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं, 1500 डिवाइड बाय 750 माइनस 10x माइनस 30x इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x इक्वल टू 0 आएगा, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक इज 750, प्रेजेंट इक्विटी इज ऑल्सो 750, सो फर्दर डायल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बायबैक इज नॉट पॉसिबल अंडर सिचुएशन 3। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सेकेंड सिचुएशन में बायबैक पॉसिबल है, इज इट राइट। तो ऐसे इंस्टीट्यूट अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेगी आपके लिए, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 4, कितने स्टेप हो गए, 3 हो गए, तो स्टेप 4 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो अभी आपको एक समरी बनानी है तीनों स्टेप की, राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, स्केल लेकर आए ना आज,
सिचुएशन थ्री, सिचुएशन वन में लोन कितना था याद है 1800, सिचुएशन टू में लोन कितना था ये भी लिख दो, जितना ज्यादा डिटेल में लिखेंगे उतना अच्छा। और यहां पे लोन इक्वल टू कितना है 1500, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट नंबर ये लिखना है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ब्रैकेट में लिखना है स्टेप वन कितना था 8.25, फिर लिखना बी रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट स्टेप टू 6.,  ये दोनों आंसर सेम रहेंगे। एंड सी में लिखना डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट स्टेप नंबर थ्री, पहले कॉलम में क्या था 0, दूसरे में कुछ तो था ओके, और तीसरे में ये भी 0 है। सो पॉइंट नंबर डी लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक लोअर ऑफ द थ्री, लोअर ऑफ द थ्री पूरा लिखना है ठीक है। लोअर ऑफ द थ्री तो एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऊपर में जो तीन नंबर है इसमें से जो लोएस्ट है उसको सर्च करना है। अगर आपने इक्वेशन सॉल्व किया होगा सिचुएशन वन में तो माइनस कुछ तो आ रहा है, माइनस आ रहा है तो जीरो लिखना है, माइनस भी आएगा तो आपको जीरो लिखना है, दूसरे केस में 3.75 और तीसरे केस में 0। तो जर्नल एंट्री आप एक बार ही पास करेंगे या तीन बार पास करेंगे, एक बार जर्नल एंट्री सिर्फ एक बार ही पास करेंगे सिचुएशन टू के लिए, क्योंकि पहले और तीसरे सिचुएशन में तो बायबैक है ही नहीं तो एंट्री की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जर्नल में लिखो अभी इन द बुक्स ऑफ क्या कंपनी है पैरेट लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ पैरेट लिमिटेड, अब मैं जर्नल एंट्री में डिक्टेट करवाऊंगा ठीक है, इन द बुक्स ऑफ पैरेट लिमिटेड, पैरेट की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है जिसको आप जानते हो उससे, PERROTTE ठीक है। जर्नल एंट्रीज राइट हैंड साइड रुपीज इन क्रोर, राइट हैंड साइड रुपीज इन क्रोर, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, तीन एंट्री करनी है हमें। पहली एंट्री आपको याद है पहले CRR में ट्रांसफर करते हैं हम, तो बैलेंस शीट में देखना है कि आपके पास कौन कौन से रिजर्व है जिसको आप CRR में ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरल रिजर्व कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकते हैं, P&L अकाउंट कर सकते हैं, तो हम यूजुअली जनरल रिजर्व ही यूज करेंगे जब तक पॉसिबल है ठीक है। तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा। तो आप जरा स्क्रीन पे देखो स्टेप फोर में 3.75 हम बायबैक कर सकते हैं और फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो ब्रैकेट में लिखना 3.75 इंटू रुपीज 10, 3.75 इंटू रुपीज 10, तो आंसर बनता है आपका 37.5, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 37.5 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 37.5, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 37.5। तीन लाइन ब्लैंक रखना, नरेशन कल मैंने लिखवाया था वही नरेशन वापस यहां पर लिखना है आपको। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना 3.75 इंटू 10, 3.75 इंटू 10 हाउ मच 37.5, ये तो हो गया कैपिटल के तरफ 10 रुपए, लेकिन आप बायबैक कर रहे हैं 30 रुपए में, 30 रुपीज में 20 रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं, तो
3.75 इंटू 20 करो पहले कैलकुलेटर पे 75। अब देखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 75 है, हाँ है, 90 है, तो 90 है तो फिर अच्छी बात है, हम पूरे का पूरा 75 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3.75 इंटू 20 लिखो, 3.75 इंटू 20, डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 75, लिखा। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दोनों का टोटल करके बताना 112.5। नरेशन के लिए तीन लाइन छोड़ दो, आज घर जाके नरेशन कंप्लीट करना, लिख ठीक है। थर्ड एंट्री तीन लाइन छोड़ने के बाद इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 112.5। इज इट राइट? तो इस तरह से इस टाइप, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जो कल करवाया था वो भी आया है, और ये जो अभी करवाया ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। नाउ विल कम टू वन क्वेश्चन नंबर वन इन योर बुक, क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन सामने है, क्वेश्चन नंबर वन राइट। एएसएफ लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे भी प्रेजेंट किया, देखो इस बार आपको बैलेंस शीट दी गई है पूरी की पूरी, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, इशूड, इशूड में दो टाइप के हैं, यहाँ पे देखना 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड, इन दोनों का टोटल हुआ यहाँ पे ये 100। रिजर्व एंड सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व 15, इसको मत छेड़ना ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 और रेवेन्यू रिजर्व है 260, इन तीनों का टोटल है 300 और बैलेंस शीट का टोटल 100 प्लस 300 4। ऑथराइज कैपिटल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं टोटल में। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट है 100, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया 100, बैलेंस 0। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 100 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 400, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 400 और उसको बाय कितने में किया था, 100 में, कुछ साल पहले बाय किया होगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़कर 400 हो गई है, कोई बात नहीं। करंट एसेट कितना है 340, लेस करंट लायबिलिटी 40, आउटर कॉलम 300, एसेट साइड का टोटल 0 प्लस 100 प्लस 300 400। समझ में आया बैलेंस शीट जो दिया हुआ है? अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022, बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 75, तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के रूल्स पता होने चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, करेक्ट। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। 3, इफ द रिडम्पशन इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व देन एन अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन का सोर्स क्या है, फ्रेश इशू है या फ्री रिजर्व है। अगर फ्री रिजर्व होगा तो आपको सीआरआर में 75 और ट्रांसफर करने होंगे, इज इट राइट? तो ये चैप्टर भी आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दो चैप्टर को मिक्स कर दिया इन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू बाई बैक 50 लाख
equity share of rupees 10 each at rupees 50 per share. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसको बायबैक किया है 50 रुपए में, तो 40 रुपया बायबैक प्रीमियम है. इज इट राइट? हमारी बैलेंस शीट रुपीज इन क्रोर्स में दी गई है, तो क्रोर्स में बात करते हैं. 50 लाख इक्विटी शेयर इनटू 10, शेयर कैपिटल कितने से घटेगा? करोड़ में बोलो, 5 करोड़. और 50 लाख इंटू 40 रुपीज बायबैक प्रीमियम, 50 लाख इंटू 40 रुपीज करोड़ में बोलो 20 करोड़ या 200 20 करोड़. तो 20 करोड़ में देखता हूँ किसको यूज किया जाए. सिक्योरिटीज प्रीमियम में है बैलेंस, तो हम 25 में से 20 यूज कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, आगे पढ़ो. पेमेंट्स फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट. तो इतना पढ़ने के बाद अब बताना है कि सोर्स ऑफ बायबैक क्या है, फ्री रिजर्व या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर. सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, फ्री रिजर्व या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर. फ्री रिजर्व, दोनों केस में फ्री रिजर्व है. कहीं पे भी क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर नहीं है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे, 75 ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए और 5 ही बायबैक किया है ना. प्रेफरेंस शेयर पूरा बायबैक किया है और इक्विटी शेयर सिर्फ 50 लाख शेयर बायबैक किया है, तो 5 लाख यानी टोटल 75 + 5 80 लाख रुपए आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है. तो रेवेन्यू रिजर्व में मेरे पास काफ़ी सारा बैलेंस है, तो मैं रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको क्वेश्चन देखो क्या है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट फिर से बनानी होगी आपको. और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे किसी भी कंपनी का, एक कंपनी है लिमिटेड है, तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाएंगे, इस फॉर्मेट में नहीं. ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं है, ये पुराना फॉर्मेट है, ये पुराना शेड्यूल 6 का फॉर्मेट है. आपको उसको शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि शेड्यूल 3 में करंट लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी साइड में ही दिखेगी. पहले हम उसको लेस करके दिखाते थे, अभी नहीं. तो आपको कोई भी बैलेंस शीट दिया जाए, आपको उसको कन्वर्ट करना है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, राइट. इस बार एक और क्वेश्चन पूछा है, वैल्यू इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस. नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी. पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, एसेट साइड की टोटल करेंगे, माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल गिव मी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस. इज इट राइट? तो आपके सिलेबस में एक अमालगमेशन करके भी चैप्टर है, वहां पर आपको जब अमालगमेशन करते हैं तो शेयर की वैल्यू निकालते हैं, उसमें ये मेथड आएगा. तो कई सारे चैप्टर मिक्स किया इन्होंने. एक प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन वाला चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस है, बायबैक तो है ही, शेड्यूल 3 वाला चैप्टर भी है, और अमालगमेशन जब आप सीखेंगे तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर निकालना भी सीखेंगे. तो सोचा उसको यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं. इज इट राइट? तो पहले क्या किया जाए, नेट एसेट बेसिस या पहले एंट्री? सिक्वेंस समझो ना, पहले हम एंट्री पास करेंगे तो ही बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी तो ही नेट एसेट आप निकाल पाओगे. इज इट राइट? लिखो, क्या इस क्वेश्चन में हमें 3 टेस्ट अप्लाई करना है या नहीं? 3 टेस्ट अप्लाई नहीं करना है. सही बात, क्यों नहीं करना है? जब उन्होंने नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक दे ही दिया है, तो आपको यही करना है अब. ठीक है, अब टेस्ट मत अप्लाई करो. अगर बिल्कुल क्लियरली दिया है कंपनी ने इतने शेयर बायबैक किए हैं, तो बस एंट्री उतने की कर देनी है. तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री पे जाएंगे. फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, एक पेज क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, पेज नंबर लिखो, फिर नीचे लाइन में लिखो इन द बुक्स ऑफ ASF लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन जर्नल एंट्रीज, नेक्स्ट लाइन रुपीज इन क्रोर्स. फिर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, लगभग एक पेज ड्रॉ कर लो, कर लो, कर लो, पैसे की चिंता मत करो.
कुछ लोग दो दो लाइन बचाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। तो एंट्री, पहली एंट्री सुनना, पहले मैं तीन एंट्री या चार एंट्री प्रेफरेंस शेयर के लिए पास करता हूं, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपको प्रेफरेंस शेयर का प्रॉब्लम है कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर थे बैलेंस शीट में सारे के सारे रिडीम हो गए, तो हम क्या क्या एंट्री पास करते, याद करो उन अच्छे दिनों को। पहले सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर करेंगे और पे करेंगे, तो तीन एंट्री में काम हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को हम यहाँ पे एट पार रिडीम कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम देने की एंट्री हमें नहीं करनी है, ठीक है? लिखिए, पहली एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, सारा डेट 1st April 2021 लिखना, ठीक है? डेट कॉलम में क्या लिखेंगे, 1st April 2021 सभी एंट्रीज। पहली एंट्री मैं बोल रहा हूं, सुनो और लिखो, ठीक है? क्या एंट्री बोली मैंने, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 75, बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, नरेशन में एक बार वापस लिखवा रहा हूं, बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, सीआरआर टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, लिखा, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, बोलो जी। हाँ, अगली एंट्री लिखना, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 75, बिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और तीसरी एंट्री आप खुद ही लिख सकते हैं, बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 75 टू बैंक अकाउंट 75, टू बैंक अकाउंट 75, बींग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बींग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बींग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये तीन एंट्री प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की थी। अब हम इक्विटी शेयर रिडीम करने वाले हैं या बायबैक करने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर हम पूरा बायबैक नहीं करने वाले हैं, पूरा बायबैक करेंगे तो कंपनी चलाएगा कौन, तो सिर्फ 50 लाख बायबैक करेंगे, 50 लाख इंटू 10 5 करोड़, तो 5 करोड़ रुपए पहले रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, फिर से वही एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5, नरेशन होमवर्क ऑलरेडी 3 बार लिख चुके हैं। 5 कैसे है, ब्रैकेट में लिखो 50 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 10, 50 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 10, ठीक है, लिख दिया, कैलकुलेशन संग संग लिखते रहना है। 3 लाइन ब्लैंक रखो, नरेशन होमवर्क लिखना है। अब हमें अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शोल्डर करना है, तो अभी अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रैक्टिस करते करते आप पूरा समझ जाएंगे, बार बार हम क्लास में ही पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो क्या लिखा अभी आपने,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट बोलो 5, फिर से लिखना ब्रैकेट में 50 लाख शेयर इंटू ₹10। आलसपन मत दिखाओ, लिखते रहो 50 लाख शेयर इंटू ₹10। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा लिखना, प्रेम मत लिखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रेमी मत लिखना, पूरा लिखना मतलब बदल जाता है फिर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना लिखा, ब्रैकेट में लिखना 50 लाख शेयर इंटू 40, 50 50 लाख शेयर्स इंटू ₹40, ब्रैकेट क्लोज। सो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 20, 20, क्योंकि अमाउंट इन क्रोर्स लिख रहे हैं हम। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 25, ब्रैकेट में लिखना 50 लाख इंटू ₹50, 50 लाख शेयर इंटू ₹50, तो आ गया 25, टैली हो गया। नरेशन होमवर्क, दो लाइन ब्लैंक छोड़ो, दो या तीन लाइन। लास्ट एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25, 25, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25, 25, दो लाइन ब्लैंक। नरेशन होमवर्क, ठीक है, जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो तीन नरेशन लिखे थे ना, वही तीनों नरेशन आज वापस यहाँ पे लिख लेना एज इट इज। तो ये हो गया जर्नल एंट्री का काम खत्म। इस बार बैलेंस शीट भी बनानी होगी आपको, तो ये तीन एंट्री की वजह से जो जो चेंजेस हुए हैं, कहाँ कहाँ चेंज हुआ जरा गेस करो। क्या ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखेगा अभी बैलेंस शीट में, दिखेगा हाँ या ना, चला गया ना ये तो। इक्विटी दिखेगा 25 दिखेगा या 20 दिखेगा, 25 20, कैपिटल रिजर्व 15 या कम या ज्यादा, 15 ही। कैपिटल रिजर्व को हमने कहा डेबिट क्रेडिट किया है, देखो आपकी 6 एंट्री में कहा कैपिटल रिजर्व डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, तो जब हमने उसमें डेबिट क्रेडिट किया नहीं तो ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 कम किया आपने, 5, और रेवेन्यू रिजर्व 2 बार डेबिट किया आपने, पहले 75 फिर 5, तो 80 कम हो गया 180। चलिए फिक्स्ड एसेट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कहीं भी एंट्री में हमने फिक्स्ड एसेट किया है तो ये अपनी जगह एज इट इज, इन्वेस्टमेंट एज इट इज। करंट एसेट अपने बैंक लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है बैंक इज अपियरिंग अंडर द हेड करंट एसेट, तो जितना ही बार आपने बैंक क्रेडिट किया है उतना सा कम कर देंगे। कितना बैंक क्रेडिट किया आपने, 100, पहले 75 बाद में 25, तो ₹100 से हम बैंक कम कर देंगे यानी करंट एसेट कम कर देंगे, तो ये 240 हो जाएगा अभी। तो पहले बैलेंस शीट का हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, फिर आप उसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में है, पहले लिखना ऊपर बैलेंस शीट ऑफ ASF लिमिटेड, कंपनी का नाम आना चाहिए, नीचे डेट आनी चाहिए अगर डेट पॉसिबल है दिया हुआ हो तो, 1/4/2022 करेक्ट, 1 अप्रैल 2022। फिर लिखना सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ₹, और यहाँ ऊपर लिख दो रुपीज इन क्रोर्स, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ बैलेंस शीट रुपीज इन क्रोर्स। तो पहले हम पॉइंट नंबर ए लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, हाँ 1, तो बैलेंस शीट जब भी ड्रॉ करेंगे स्केल यूज करना, ठीक है, इतने सारे कॉलम्स हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 1, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड में 2 पॉइंट लिखेंगे, ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में जो भी डिटेल्स लिखना है नोट नंबर 1 पे जाके लिखना है, यहां पर आपको ऑथराइज्ड, इश्यूड, पेड अप ये सब नहीं लिखना है, ठीक है।
और उसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी आइटम होंगे और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उसको नोट नंबर टू में प्रेजेंट करना है। एक लाइन ब्लैंक रखना पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में करंट लाइबिलिटीज भी आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या है हमें नहीं पता, तो सिर्फ आप उसको करंट लाइबिलिटीज ही रहने दो। कुछ पता है उसके अंदर क्या है? बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल है क्या? नहीं है, तो बस करंट लाइबिलिटी रहने दो। टोटल लिखना एसेट्स। करंट लाइबिलिटी की फिगर हम अभी चाहे तो लिख सकते हैं, बोलो। हाँ हाँ, तो उधर लिख दो करंट लाइबिलिटी कितना है, 40, 40 है क्या? बोलो ना हाँ या ना, लिख दो ना। हो गया, उसमें कुछ और नहीं है। अब लिखो एसेट्स, जो पता है लिखते जाओ। एसेट्स लिखा 1, नॉन करंट एसेट पहले लिखो उसके अंदर, नॉन करंट एसेट। एसेट के नीचे लिखना है नॉन करंट एसेट, फिर उसके नीचे लिखना है पीपीई। व्हाट इज पीपीई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पूरा लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके नीचे लिखना टेंजिबल, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट में लिखना मार्केट वैल्यू रुपीज 400 करोड़। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? 100 है, आउटर कॉलम में 100, डिस्क्लोजर के लिए मार्केट वैल्यू रुपीज 400 करोड़। पॉइंट नंबर 3 लिखना करंट एसेट्स, इसको पॉइंट नंबर 2 लिखो करंट एसेट को। नॉन करंट एसेट विल बी स्मॉल बी, पीपी विल बी स्मॉल ए। सो करंट एसेट हमारे पास बैलेंस शीट में है 340, उसमें से पहले मैंने 75 पे किया, फिर 25 पे किया, तो अभी 240 रह गया, ठीक है। जो हमें पता है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है उसको यहां लिख दो आप। हमें 3 नोट बनाने होंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड टेंजिबल एसेट। जहां पर भी ज्यादा डिस्क्लोजर देना है नोट्स बनाना है आपको। यहां तक लिख लिया सबने? अभी टोटल मत करना। तो पहले नोट नंबर 1 लिखो बैलेंस शीट, एक नीचे लाइन ड्रॉ करके क्लोज करो। नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, राइट हैंड साइड रुपीज इन करोर, रुपीज इन करोर। क्वेश्चन बुक सामने है, पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड, ऑथराइज यहां पे 100 लिखो डबल अंडरलाइन, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर तो आपने कहा चला गया, प्रेफरेंस शेयर चला गया ना, तो क्या बचा? इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर बचे हैं? 20 करोड़ तो रुपए हैं, नंबर बोलो। 2 करोड़। आपको शेड्यूल 3 में नंबर भी डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया है? शेड्यूल 3 पढ़ा होगा ना ग्रुप 1 में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है? तो करो ना, 2 करोड़ इक्विटी शेयर। फिर जो टाइप ऑफ शेयर वो डिस्क्लोज करना है आपको, इक्विटी शेयर। फिर उसकी फेस वैल्यू डिस्क्लोज करनी है ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड। पूरा लिखेंगे तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा ना, आप थोड़ा सा डिस्काउंट करेंगे तो वो भी कर देंगे। तो ये हो गया 20 करोड़, 5 कम हो गया। प्रेफरेंस शेयर लिखना ही नहीं है, राइट। यहां पर एक नोट लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर, मैं डिक्टेट कराऊंगा, ड्यूरिंग द ईयर
note during the year, the company redeemed all preference shares. Company redeemed all preference shares and bought back 50 lakhs equity shares and bought back 50 lakhs equity shares. During the year, company redeemed all preference shares and bought back 50 lakh equity shares. क्या ये भी डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 में था? हाँ, जब भी आपका शेयर कैपिटल चेंज होगा तो आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि इस साल की बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल पिछले साल की बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल से मैच नहीं होगा, तो आपको ये रिकंसिलेशन देना है कि क्यों डिफरेंस है. तो हमने रिकंसिलेशन हमने दे दिया कि प्रेफरेंस शेयर बॉट बैक पूरा रिडीम हो गया और इक्विटी शेयर में से 50 लाख बायबैक हो गया. तो ये 20 का भी क्या किया जाए, ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिख दो 20, नोट नंबर 1, 20 हो गया. रिजर्व एंड सरप्लस में प्रेजेंटेशन आपको डिटेल में करना है. डिटेल यानी कि पहले उसकी हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर उसमें जो भी प्लस माइनस हुआ है उसको हम प्रेजेंट करेंगे. तो एक कॉलम और ड्रॉ कर लो, इज इट राइट. पहले क्वेश्चन बुक में जाओ, वहाँ पे पहला रिजर्व क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व. गलती नहीं हो इसलिए जरा कुछ सीखो कैसे करना है. क्वेश्चन के हिसाब से पहले जाओ, कैपिटल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 15. 15 में कोई चेंज नहीं, ऊपर रुपीज इन करोड़ लिखना. फिर पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम. इसमें आप जर्नल एंट्रीज में जाओ और देखो कि क्या इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है. तो यहां पर आप लिखेंगे लेस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. लेस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कितना हमने यूज किया है, 20, बचा कितना, 5. उसके बाद लिखो पॉइंट सी, रेवेन्यू रिजर्व डैश ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कितना है, 260, लेस ट्रांसफर टू. हमने रेवेन्यू रिजर्व में से सीआरआर में ट्रांसफर किया है, पहले 75, फिर 5, 80 ट्रांसफर किया ना आपने, 75 ट्रांसफर किया था प्रेफरेंस शेयर के वक्त और 5 ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर के लिए, तो टोटल 80 ट्रांसफर हो गया. तो बैलेंस कितना बचेगा, 180. और एक नया रिजर्व, अब देखना है कि क्या हमने कोई नया रिजर्व क्रिएट किया है, तो हमने एक सीआरआर क्रिएट किया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. हो सके तो एग्जाम में पूरा लिखना. और इसका सोर्स क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, ये जीरो था, तो उसमें हमने कुछ ट्रांसफर किया रेवेन्यू रिजर्व से. ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, बोलिए 80, ये 80 इधर घटा इधर बढ़ गया, तो आ गया 80 यहाँ पे. और कोई नया रिजर्व क्रिएट हुआ इस प्रोसेस में, बोलो हाँ या ना, तो टोटल कर लो फिर, 280. तो इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा प्रेजेंटेशन आपको देना है. रुपीज इन करोड़ लिख दिया ऊपर, 280, ये आ गया आपका बैलेंस शीट, फर्स्ट कॉलम रिजर्व एंड सरप्लस, 280, आउटर कॉलम 300 हुआ. अब आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लिख सकते हैं, 340. एसेट साइड में एक नोट नंबर 3 है, वहां पर आ जाओ, नोट नंबर थ्री लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे नोट नंबर 3, रुपीज इन करोर. नोट नंबर 3, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट रुपीज इन करोर,
particular rupees in crore. Gross block, question देखो gross block कितने का है, 100 है, cost यानी gross block 100, less accumulated depreciation, जो आपके question में है provision for depreciation 100, तो net block कितने का आया, 0, फिर भी लिखना जरूरी है, सबने लिख लिया net block 0, बैलेंस शीट पर आना, टेंजिबल एसेट के सामने यहां पर लिखना 0, अब आप एसेट साइड की टोटल कर सकते हैं 340, जो जर्नल एंट्री में आपने लिखा बस उसका इफेक्ट आपको देना है, उससे न ज्यादा न कम। ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, हमने 6 जर्नल एंट्रीज पास की, उसके बाद जो फिगर्स चेंज होगा उसका इफेक्ट आपको देना है। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कौन सा क्वेश्चन है देखना, वैल्यू इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस। तो कभी कभी आपको ऐसे 2 मार्क के लिए और पूछ सकते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई है, तो एसेट साइड में क्या है, मेरे पास 3 एसेट हैं जिसका टोटल 340 है, और लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी है, ये शेयर होल्डर फंड को मत माइनस करना, इट इज नॉट लाइबिलिटी, उसको भी माइनस कर दोगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 340 माइनस 40 करेंगे तो आ गया नेट एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में शेयरहोल्डर फंड माइनस नहीं करना है, ठीक है, इट इज इक्विटी इट इज नॉट लाइबिलिटी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर अभी कितने हैं, 2 करोड़ है, तो आपका नेट एसेट वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी गई है, इन्वेस्टमेंट की, तो 2 आंसर हो सकते हैं, एक बुक वैल्यू पर और एक मार्केट वैल्यू पर। अगर मैं मार्केट वैल्यू पे एसेट की वैल्यू करूं तो उस केस में मेरा आंसर चेंज होगा, फिर हम लेंगे 0 प्लस 400 प्लस 240, दैट विल बी माई मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस 40 डिवाइड बाई 2 करोड़, तो दैट विल गिव मी द नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, इज इट राइट। तो 2 कॉलम ड्रॉ करके मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन में गलती है, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आपको नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू अप्रोच से सॉल्व करना है या मार्केट वैल्यू अप्रोच से सॉल्व करना है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन है कि आप मार्केट वैल्यू को लेकर भी सॉल्व करें, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट मार्क्स कटने की कोई भी चांस नहीं बचेगे फिर, इज इट राइट। मान लो मैंने आपको बुक वैल्यू से करवा दिया, हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे मार्केट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही थी, या फिर मैंने आपको मार्केट वैल्यू से करवा दिया, हो सकता है एग्जामिनर बुक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, दोनों से ही कर दो, अपना क्या जाता है, कोई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा ना, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन मार्क्स पूरे हो जाएंगे। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, पहले सीरियल नंबर ए, एसेट्स, एसेट साइड में हमारे पास 3 एसेट है, कौन से 3, रुको पहले सुनो, टेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लेकिन टेंजिबल एसेट की तो वैल्यू 0 है, तो लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, रहने दो, टेंजिबल एसेट 0 लिखना हो तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी हमारे टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इग्नोर, इन्वेस्टमेंट लिखो, इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो 2 उसके आंसर अलग अलग होंगे, उसकी बुक वैल्यू यानी उसकी कॉस्ट है 100, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू है 400, इज इट राइट। तो मार्केट वैल्यू पे भी हम वैल्यूएशन करते हैं, जो आप सीखेंगे, ये वैल्यूएशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है बुक वैल्यू पे और एक होता है मार्केट वैल्यू पे।
प्रैक्टिकली मार्केट वैल्यू हम लेते हैं क्योंकि बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इज इट राइट? वो तो बहुत पहले आपने खरीदा होगा. आज इस शेयर की क्या वैल्यू है? आज इस शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है. करंट एसेट लिखो 240, 240 टोटल करना, टोटल आएगा 340 एंड 640, ये हो गया एसेट्स. नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज. पॉइंट नंबर बी लिखना, लेस लाइबिलिटी साइड में सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है, एक ही लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी. तो पॉइंट नंबर बी लिखेंगे लेस करंट लाइबिलिटीज, उसकी वैल्यू भी एक ही है सेम 40 40. एक बच्चे ने पूछा लाइबिलिटी साइड में तो शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, उसको भी लेस करना चाहिए था. उसको भी लेस कर देंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा. फिर तो इतनी देर से फिर हम यहाँ पे मेहनत जो कर रहे पानी में फिर जाएगा. सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज नॉट लाइबिलिटी, दे आर ओनर्स फंड. दे आर शेयरहोल्डर्स फंड, ओनर्स फंड, नेटवर्थ, दे आर नॉट लाइबिलिटी. सो अभी इसका टोटल हो गया 340 माइनस 40, नेट एसेट 300, 640 माइनस 40, तो ये आपका नेट एसेट आ गया. अभी अमालगमेशन वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये आपको बहुत बार करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन, ओके. क्योंकि वहां पर शेयर की पहले हम वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोर, नंबर ऑफ शेयर्स 2 करोर्स लिखा, इन करोर्स. अब पॉइंट नंबर ई लिखना, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इन रुपीज, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इन रुपीज, सी अपॉन डी. सी में क्या लिखा हुआ है? नेट एसेट. डी में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ शेयर. 300 डिवाइड बाय 2, रुपीज 150, ओके, रुपीज 300. ये करोड़ में नहीं है, बाकी सारे फिगर्स करोड़ में है, तो इसके आगे रुपीज लगा दो, तो अब जाकर ये आंसर खत्म हुआ, ठीक है. अब आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ो, आंसर पढ़ो, और अगर डाउट हो तो पूछो. नहीं है डाउट, ठीक है, आगे बढ़ो फिर. क्वेश्चन नंबर 2, एक और प्रैक्टिस करेंगे सिमिलर टाइप. क्वेश्चन नंबर 2 सामने रखना अभी. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, सामने रखो क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ASF लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, ऑन 31st March ऑफ अ ईयर. तो यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ आपको, सिर्फ 31st March, 1st April ऐसे लिखना है. रुपीज इन लैक्स में है इस बार. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में देखो क्या है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड. तो 2500 डिवाइड बाई 10, बैलेंस शीट में कितने प्रेफरेंस शेयर है? 250 है, 250 लैक्स हैं. इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड 8000, डिवाइड बाय 10 करो, तो इस बार बैलेंस शीट में 800 लाख इक्विटी शेयर हैं. बैलेंस शीट में 800 लाख शेयर्स हैं इक्विटी के. फिर उन्होंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, क्या ये फ्री रिजर्व है? नहीं, तो ये आप छेड़ना मत. लेकिन बाद में जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो जो भी अमाउंट CRR में ट्रांसफर करोगे इस 1000 रुपये में ऐड कर देना, ठीक है. इसमें से कुछ यूज मत करना, कुछ लेना मत इसमें से, सिर्फ देना, ठीक है. सिक्योरिटीज प्रीमियम आप जानते हैं क्या करना है आपको, देन जनरल रिजर्व भी आप जानते हैं, इट कैन बी यूज फॉर CRR पर्पज ऑल्सो और प्रीमियम ऑल्सो, इज इट राइट. फिर PNL अकाउंट भी है, ये भी आप CRR में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या इससे आप प्रीमियम भी पे कर सकते हैं. ये तो पूरा फ्री रिजर्व है,
आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। देन 9% डिबेंचर, ये बैलेंस शीट में वापस दिखेगा। क्रेडिटर, सन्ड्री प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, बैंक, अदर करंट एसेट्स। समझ में आई बैलेंस शीट? बैठ गया दिमाग में बैलेंस शीट? अभी अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए, जरा देखना। ऑन 1st April द कंपनी रिडीम्ड ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर। ऑल मतलब ये पूरा 2500 गया, और किस रेट पे गया? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम भी हमें देना होगा, इज इट राइट? तो 10% प्रीमियम यानी कितना हो गया? 2500 का 10% कितना हुआ? 250। तो 250 हम प्रीमियम देंगे। जैसा कि आपने ग्रुप 2 में पढ़ा है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर की प्रीमियम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही जाकर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कहां से प्रीमियम देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ याद आ रहा है? बोलो नहीं, ईमानदारी से बोलने में क्या दिक्कत है? एंड बॉट बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट ₹20 पर शेयर। फिर से एक बार यहां जाते हैं, हमारे पास 800 शेयर हैं, उसका पहले 25% करो, 200 ही आया ना, तो 200 इक्विटी शेयर आप बायबैक करेंगे किस रेट पे? ₹20 पे। जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक दिया हुआ है तो क्या हमें test 1, test 2, test 3 अप्लाई करना है? नहीं, इज इट राइट? तो इस क्वेश्चन में भी आपको test 1, test 2, test 3 अप्लाई नहीं करना है। जब दिया है इंस्टीट्यूट ने नंबर, करे सम्मान, ठीक है? कुछ कुछ स्टूडेंट आके मेरा इतना दिमाग खाते हैं कि सर आपने यहाँ पे टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? अरे मैंने बोला भाई वो बॉस बोल रहा है ना कि 200 बायबैक किया है ₹20 पे, तो किस्सा खत्म हुआ ना वहां पे जाके। मैं करूँ कुछ भी, एंट्री तो मुझे 200 की ही करनी होगी फाइनली जाके, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये गलत भी हो सकता है कि 200 शायद अलाउड नहीं हो, लेकिन फिर भी करना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्जाम पास हो जाए पहला वो करना, बाद में इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ स्टडीज ज्वाइन करना, ये क्वेश्चन चेंज करवाना। नाउ नेक्स्ट लाइन, इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹3150 ना। तो ये एक नॉर्मल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, इसका सेक्शन 68, 69, 70 से कोई लेना देना नहीं है। एक नॉर्मल एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट किधर है? यहाँ 3000, और बेचा कितने में? 3150, तो 150 का फायदा हो गया, और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना। इन्वेस्टमेंट बेचने का पर्पज है फंड्स रेस करना, इससे सेक्शन 68, 69, 70 का कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार कंपनी रेज्ड अ बैंक लोन अमाउंटिंग टू ₹2000 लाख ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज प्लांट। ये भी एक बैंक लोन रेज किया, बैंक टू बैंक लोन अकाउंट 2000। ये एंट्री इसलिए करते हैं ताकि कंपनी के पास फंड्स हो, उनको इतना बायबैक करना, और बैलेंस शीट पर उतना कैश है नहीं, कैश सिर्फ है 1650, और चले हैं बायबैक करने प्रेफरेंस शेयर पूरा 2500, उसको देंगे 10% प्रीमियम, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को भी बायबैक करेंगे, तो फंड्स चाहिए ना, तो फंड्स है नहीं, तो उन्होंने फंड्स रेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बेचा, लोन भी रेज किया, नॉर्मल एंट्री। तो पहले ये दो एंट्री कर देना, पहले कैश जमा कर लेना, फिर धीरे धीरे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को हम रिडीम कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? पास एंट्रीज फॉर द अबव, प्रिपेयर द बैलेंस शीट इमीडिएटली देयर आफ्टर, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अलाउड बाय द लॉ। तो जितना कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करना अलाउड है उतना हम यूटिलाइज करेंगे, इज इट राइट? तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार दो एंट्री और बढ़ जाएगी। कौन सी दो एंट्री और बढ़ जाएगी? इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे और लोन रेज करेंगे, उसके बाद वापस 3 या 4 एंट्री प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के लिए, और 3-4 एंट्री इक्विटी शेयर को बायबैक के लिए, इज इट राइट? ये टिपिकल क्वेश्चन है
जो बार बार एग्जाम में आता रहेगा। इसके अलावा कुछ कुछ और छोटे मोटे एक आध एडजस्टमेंट और आएंगे, तो हम एक दो प्रॉब्लम अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको एक दो और नए एडजस्टमेंट दिखेंगे, ठीक है। तो लिखना पहले इन द बुक्स ऑफ ASF लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट ड्रॉ करना, राइट हैंड साइड रुपीज इन लैक्स, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। बैलेंस शीट सॉरी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वन फुल पेज ड्रॉ कर लो, 8 से 9 एंट्री लगेगी हमें, बीच बीच में नरेशन भी लगेगा। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर रुपीज इन लैक्स, ओके। तो पहली एंट्री लिखो, पहली एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा इन्वेस्टमेंट, 3150 लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट 3150 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 बींग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बींग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, बींग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150 लैक्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150 लैक्स, 150 लैक्स पूरा लिख दिया, वन लाइन ब्लैंक। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2000, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट 2000 बींग बैंक लोन रेज्ड, बींग बैंक लोन रेज्ड, बींग बैंक लोन रेज्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट, बींग बैंक लोन रेज्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट, ठीक है। एक बेसिक ब्रीफ नरेशन लिखना है आपको। तो ये दो एंट्री हमने पहले पास कर दी, यूजुअल एंट्री। अब हम चलते हैं बायबैक की ओर। तो इस बार हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, इक्विटी शेयर बायबैक करना है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सिर्फ एक चेंज है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर को हम प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं, उसके लिए उतना पेनल अकाउंट डेबिट करना होगा आपको, इज इट राइट। लिखो, पहले हम CRR में ट्रांसफर करेंगे, कितने का प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर रहे हैं, पूरा 2500 का, पूरा ही है ना, तो 2500 आपको CRR में ट्रांसफर करना होगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिडम्पशन, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर या फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व है। हमने कहा इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इशू किया या प्रेफरेंस शेयर इशू किया, कहीं किया है, इन्वेस्टमेंट बेचना है, बट इन्वेस्टमेंट बेचना इज नॉट इशू ऑफ शेयर्स, लोन लिया है, लोन लेना इज नॉट इश्यू ऑफ शेयर, तो हम फ्री रिजर्व से ही रिडीम करेंगे, उसके लिए आपको CRR में ट्रांसफर करना होगा। तो आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, देखो जनरल रिजर्व है ना, कितना है 6000 है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2500। तो जनरल रिजर्व को मैं यहाँ पे उसका ट्रैक रखने के लिए कि कितना बैलेंस बचा है 2500 में घटा देता हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2500 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू CRR अकाउंट 2500, पूरा लिखना अच्छा रहेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि आपके सिलेबस में एक और CRR है, कैश रिजर्व रेशियो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट में, इज इट राइट। फिर बच्चा बाद में सोचेगा ये कौन सा CRR है,
फिर एग्जाम में एंट्री लिख कर आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश रिजर्व रेशियो अकाउंट, वो कुछ और ही है भाई साहब, वो एक अलग चीज अलग दुनिया है वो। ओके तो कैपिटल डम्पशन रिजर्व 2500 नरेशन होमवर्क लिखा था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, बींग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व टू सीआरआर टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा कुछ लिखा था, घर जाके लिख लेना, क्लास में समय कम रहता है। दो लाइन ब्लैंक रखो। अब मुझे प्रीमियम भी देना है 250 रुपया इसके ऊपर, तो हम प्रीमियम के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे। आप ग्रुप वन में पढ़ना एक चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल होती है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, अदरवाइज इन जनरल आपको क्या फॉलो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देना। पीएनएल अकाउंट डेबिट 250, पीएनएल अकाउंट डेबिट 250, तो इसको भी मैं यहाँ पे पहले 150 इसमें ऐड हुआ था और अभी 250 घट रहा, तो मुझे इसका ट्रैक रखना, ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा डेबिट कर दो तो घाटा हो जाएगा ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 250 टू प्रीमियम पेबल, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पीएनएल अकाउंट डेबिट 250 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 250 ब्रैकेट में लिखना 10% ऑफ 2500 नरेशन, ये नया एंट्री, इसकी नरेशन लिखवाऊंगा, बीइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बीइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इज इट राइट, बीइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले एक आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी होती है प्रीमियम पेबल की, अब हम क्या करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम पेबल को एक साथ लेकर आएंगे, पहले एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, तो ये अकाउंट हमारी बुक से अब खत्म हो गया, ठीक है। प्रीमियम पेबल ऑन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 250, ये भी अकाउंट हमारी बुक्स में आया और गया, पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हो गया तो खत्म हो गया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टोटल 2750, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2750, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एक और एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, बोलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2750, 2750 पेमेंट मेड टू, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इज इट राइट, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके ओके। अब क्या करें, इक्विटी शेयर को बायबैक करना है, तो कितने इक्विटी शेयर बायबैक करना है जरा देखते हैं एक बार वापस। 25% ऑफ इक्विटी शेयर विल बी बॉट बैक एट ₹20 पर शेयर, और इसकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में 800, 800 का 25% करना जरा 200 बायबैक करेंगे, 200 × 10 2000 जाएगा शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल का पार्ट आप सीआरआर में भी ट्रांसफर करोगे और उसके ऊपर ₹10 और दे रहे हो आप,
तो इसको हम बोलेंगे बायबैक प्रीमियम, बायबैक प्रीमियम। तो बायबैक प्रीमियम पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से जितना हो सके हम देंगे, तो 800 तो हम वहां से यूज कर लेंगे और बचा 1200। तो 1200 में पहले मुझे देखना है जनरल रिजर्व में भी कितना बचा है। रुको एक मिनट, रुको, 2000 अभी इसमें से और घटेगा ना, कहाँ जाएगा 2000 और सीआरआर में। तो अभी 6000 में से जरा 4500 कम करके बताओ कितना बचा हुआ है, 1500 बचा हुआ है, 1500। क्या हम 1500 में से 1200 प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, ये 2000 जो मुझे बायबैक प्रीमियम देना है, पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कौन सा रिजर्व डेबिट करना है। तो 800 मैं डेबिट करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को और 1200 डेबिट करूंगा जनरल रिजर्व को। इज इट राइट? जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है वो जनरल रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर होगा 2000, बराबर। और जो प्रीमियम वाला पार्ट है वो प्रीमियम से डेबिट होगा 800 और जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे 1200 टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इज इट राइट? आई बात समझ में? ऐसे नहीं कि जो सामने दिखा उसको डेबिट कर देना, बाद में पता चला कि जनरल रिजर्व में डेबिट बैलेंस आ गया, बैलेंस चेक करते रहना है। इज इट राइट? तो बैलेंस है ना जनरल रिजर्व में 1200 डेबिट करने के लिए, नहीं होता तो फिर हम किसी और रिजर्व को फिर हम यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, अभी फोकस करना इक्विटी शेयर पे। हम 200 इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए के हिसाब से 2000, उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। एंट्री लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 कैसे है लिखो ब्रैकेट में, 800 लाख इंटू 25% इंटू ₹10, 800 इंटू 25% इंटू ₹10, तो 2000 आएगा देखना। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2000, ओके। वापस एक बार, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2000। कैलकुलेशन लिखवा दिया, नरेशन कल क्वेश्चन नंबर 4 में लिखवाया था, होमवर्क। इज इट राइट? अगली एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो लाइन छोड़ा आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, 200 लाख शेयर्स इंटू ₹10, 200 लाख शेयर इंटू ₹10, 2000 आया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है, 800 है। इसके पहले हमने कोई, देखो ऊपर कोई डेबिट किया है इस एंट्री के ऊपर, देखो अपनी नोटबुक में कहीं कुछ और डेबिट क्रेडिट हुआ है, रहेगा तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे, नहीं है तो ये 800 डेबिट हो गया। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा भी था जितना हो सके सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज कर सकते हो कंपनीज एक्ट में, करो। इज इट राइट? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 माइनस 800, ब्रैकेट में लिखना है 2000 माइनस 800, 1200 या 1200 को बैलेंसिंग फिगर दिखा दो उसे। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कैलकुलेशन लिखना, 200 लाख शेयर्स इंटू ₹20, 200 लाख शेयर्स इंटू ₹20, बोलिए 4000। देखो सर मैच हो रहा है डेबिट और क्रेडिट का, टोटल 4000 मैच हो रहा है। नरेशन होमवर्क कल लिखवाया था मैंने, सेम एंट्री थी कल भी, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट था। और एक लास्ट एंट्री अपने से लिखो, लास्ट एंट्री अपने से क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 4000। नरेशन होमवर्क, दो लाइन छोड़ो, क्लोज करो उसको, दो या तीन लाइन ब्लैंक रखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्लोज कर दो, हो गया खत्म। 10 सेकेंड रुको और एक बार वापस सारी एंट्रीज देखो,
कि आपको समझ में आ गई? एंट्री समझ में आ गई? प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, आपको ग्रुप वन में बताया गया, ठीक है। तो अभी हम इसलिए पीएनएल अकाउंट से पे किया उसको। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? बैलेंस शीट, ये लीजिए। बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एएसएफ लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ एएसएफ लिमिटेड, डेट एज ऑन 1 अप्रैल, ईयर नहीं दिया हुआ है, डैश डैश, क्वेश्चन में ईयर नहीं है, ईयरलेस प्रॉब्लम, ठीक है। पहले लायबिलिटी साइड को कॉपी कर लो, सामने स्क्रीन पे लायबिलिटी साइड दिख रही है, उसको पहले लिख लेते हैं। रुपीज इन लैक्स लिख दो राइट हैंड साइड में, रुपीज इन लैक्स। अब लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज रुपीज। अभी स्क्रीन पे सिर्फ लायबिलिटी साइड है, इसके नीचे एसेट साइड भी है। कुछ बच्चे सिर्फ 5 लाइन ड्रॉ करके रुक गए, रुको और नीचे 10 लाइन भी है। पॉइंट नंबर ए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज अंडर दैट वन, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसमें लिखना ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर वन, शेयर कैपिटल नोट नंबर वन। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर टू। वन लाइन ब्लैंक, पॉइंट नंबर टू, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी डिबेंचर है, उसके अलावा आपने बैंक लोन लिया है, तो वो सब आइटम हम दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। उसके नीचे लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर थ्री। सब कुछ बैलेंस शीट में नहीं ठूंसना है आपको, जहां जहां डिटेल है नोट्स में लिखना है आपको। फिर पॉइंट नंबर थ्री लिखना है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज अंडर दैट पॉइंट नंबर ए ट्रेड पेएबल, पॉइंट नंबर ए ट्रेड पेएबल, इज इट राइट? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल आपके क्वेश्चन में ना सन्ड्री क्रेडिटर, वो ट्रेड पेएबल में जाएगा। वो अमाउंट मैं लिख सकता हूँ क्योंकि उसको हमने कुछ भी डेबिट क्रेडिट किया है। लिख दो इनर कॉलम में यहाँ पे, कितना है? 2300 है। और उसके नीचे लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपकी बुक में देखना लास्ट में एक सन्ड्री प्रोविजन करके है, तो आप उसको यहां लिख दो सन्ड्री प्रोविजन। कितना है? 1000 है। तो साथ ही साथ आपकी शेड्यूल थ्री का प्रेजेंटेशन भी टेस्ट हो रहा है। ये करंट लायबिलिटी का टोटल आउटर कॉलम में 3300, बस रहने दो एक बार, इतना हो गया। जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है और जिसकी नोट नहीं बनानी है उसको आप यहां पे लिख दो। अब इसके नीचे कंटिन्यू करना आपके नोटबुक में पॉइंट बी एसेट्स, पॉइंट बी एसेट्स, एसेट्स में लिखना है आपको वन नॉन करंट एसेट। एसेट साइड में सिर्फ दो हेडिंग खोलनी है आपको, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में लिखो ए पी पी ई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पी पी ई, रोमन वन टेंजिबल, रोमन वन टेंजिबल। क्या हमने इसमें कोई एडजस्टमेंट किया है? टेंजिबल एसेट में कोई एडजस्टमेंट किया आपने? नहीं किया ना, कहीं पे भी एंट्री में नहीं आया है। और क्या इसमें और कोई डिटेल आपको लिखना है? क्या इसकी ग्रॉस ब्लॉक,
accumulated depreciation आपको दी गई है? नहीं तो लिख दो ना, डायरेक्टली लिख दो। फिर एक स्टूडेंट पूछेगा, सर आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा बैलेंस शीट में? हमारी क्वेश्चन बुक में तो इन्वेस्टमेंट भी है, वो तो गया, बिक गया। फिर लिखो पॉइंट टू करंट एसेट। करंट एसेट में लिखना ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा। फिर लिखो उसके नीचे ब्रैकेट में बैंक। अब आपको उठाना है कैलकुलेटर। हमारी ओपनिंग बैलेंस बैंक में 1650 है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 3150, लोन रेज किया 2000, प्रेफरेंस शेयर पे किया, प्रेफरेंस शेयर कितना पे किया 2750, इक्विटी शेयर बायबैक किया कितना पे किया उनको, लास्ट वाली एंट्री देखना 4000। ये आपने दो इनफ्लो आए हैं बाद में और दो आउटफ्लो हुआ है, तो अब इन सबको एड लेस करने के पश्चात बैंक बैलेंस कितना बचा है? सिर्फ 50 ओनली, केवल मात्र 50। अदर करंट एसेट जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई डेबिट क्रेडिट वगैरह नहीं किया है। यस और नो? तो मुझे करंट एसेट का टोटल बताना, 8300। एसेट साइड का टोटल आप चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीट हो गया। 22300 एसेट साइड हो गया। आज एक होमवर्क करना बता दूं कि रहने दो? बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं, करने की इच्छा तो नहीं है लेकिन ये सर मानने वाले भी नहीं है। होमवर्क देंगे ही जरूर, क्वेश्चन नंबर 114 होमवर्क करके आना, 1414 लिख लिया होमवर्क, 14 नंबर। चलिए अब नीचे लिखेंगे नोट नंबर, 14 नंबर होमवर्क। हाँ वो मैं नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ हम आंसर चेक करेंगे कल। लिखो नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जरा हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या हमें ऑथराइज दिया हुआ है या नहीं, नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ऑथराइज नहीं है, पिछले वाले में था। तो सिर्फ आप क्या करो, ऐसे लिख दो डैश डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, डैश 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 डबल अंडरलाइन, ठीक है। फिर लिखना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो ये देखना इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में प्रेफरेंस शेयर तो चला गया, इक्विटी शेयर 800 में से 200 गया, तो 800 में से 200 गया कितना बचा 600। लिखो 600 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 है या 100 है, 10 ईच फुल्ली पेड 6000। नीचे एक मैं आपको नोट डिक्टेट करवाऊंगा, ड्यूरिंग द ईयर सेम नोट जो भी लिखा था थोड़ी देर पहले वन में, फिर से एक बार ड्यूरिंग द ईयर नोट लिखो, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिडीम्ड ऑल प्रेफरेंस शेयर्स, द कंपनी रिडीम्ड ऑल प्रेफरेंस शेयर्स एंड बॉट बैक, एंड बॉट बैक 200 lakhs इक्विटी शेयर्स, एंड बॉट बैक 200 lakhs इक्विटी
शेयर्स, ठीक है ना। तो ये 6000 का क्या किया जाए, बैलेंस शीट एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम या आउटर कॉलम, यस, ताकि शेयर होल्डर फंड्स का टोटल एक जगह दिख सके। अब नोट नंबर 2 पर आना, रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, पहले क्वेश्चन में जाओ और वहां जो जो रिजर्व दिए पहले उसमें प्लस माइनस करो और फिर देखो कुछ नया रिजर्व क्रिएट किया है या नहीं। तो आप देखना लायबिलिटी साइड में थर्ड लाइन में और एक कॉलम और ड्रॉ कर लो। पहले लिखना पॉइंट ए कैपिटल, दिख रहा है आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डैश ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है मुझे 1000 रुपीज इन लैक्स लिखा ऊपर, 1000 है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से आपने कितना ट्रांसफर किया कोई बताएगा, जनरल रिजर्व से आपने 2 बार ट्रांसफर किया है, पहले 2500 ट्रांसफर किया था और बाद में 2000, सारी चीज आपकी एंट्रीज में लिखी हुई है, यस और नो, देखो एंट्री में पहली एंट्री में 2500 है और बाद में चौथा या पांचवी एंट्री पे 2000 है, तो हो गया ना, टोटल कितना हुआ, टोटल 5000 राइट। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, 1000 नहीं 800 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर 800, तो अब इसका बैलेंस बचा 0, बैलेंस 0। अब कौन सा रिजर्व और दिया नीचे, जनरल रिजर्व, देखो क्वेश्चन बुक में जनरल रिजर्व डैश ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा हैंडराइटिंग भी सुधारो कुछ लोग, 6000 तुम्हारी ठीक है, ठीक ठाक है। जनरल रिजर्व में देखो आपने पहले तो लेस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4500, जब यहां 4500 लिखा है तो यहां भी 4500 ही होगा ना, फिर भी एक व्यक्ति कुछ और ही बोल रहा है, बोल रही है 4500 बोला आपने, फिर ठीक है। एक डेबिट और हुआ है उसमें, एक डेबिट लास्ट की सेकेंड या थर्ड एंट्री में एक डेबिट और हुआ है, कितने का, 1200 का एक डेबिट हुआ था ना और, हाँ तो उसको भी यहां पे लेस करना होगा, लेस यूटिलाइज फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये था कितना 1200, तो ये अमाउंट आउटर कॉलम में 300 आएगा, 300 आ गया, वन लाइन ब्लैंक पॉइंट नंबर डी। अब एक और रह गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनर कॉलम में लिखना कितना है 300, ओपनिंग बैलेंस 300 है ना। अब जरा आपकी एंट्रीज में जाना, वहां पर आपने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था तो प्रॉफिट हुआ ना, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, ये 150, और आपने इसको नीचे देखना कहीं तो एक डेबिट भी किया है, कहाँ डेबिट किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंट्री में शायद डेबिट किया, देखो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस प्रीमियम पेबल ऑन
redemption of preference share. कितना डेबिट किया था? 250. प्यारे बच्चों 250. टोटल आउटर कॉलम में कितना बचा? 200. टोटल कितना हुआ इसका? रिजर्व एंड सरप्लस 6000. कुछ और छूट तो नहीं गया? देखना रिजर्व में सबने हमने एडजस्ट कर दिया सब. कुछ नया रिजर्व क्रिएट हुआ है? नहीं. सीआरआर ऑलरेडी था उसमें हमने ऐड कर दिया. तो अभी आप क्या करना, ये 6000 बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस 6000 आउटर कॉलम, इज इट 12000? से यस. ओके, एक और लास्ट नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग. लॉन्ग टर्म बोरिंग राइट हैंड साइड रुपीज इन लाख पूरा लिखना है. ऐसे क्वेश्चन 12, 14 या 16 मार्क के लिए आते हैं. तो राइट हैंड साइड रुपीज इन लाख लिखना, फिर लिखना पॉइंट नंबर 1, सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन ऑलरेडी आपकी गिवन बैलेंस शीट में 9% डिबेंचर है, उसमें हमने कुछ प्लस माइनस नहीं किया. डिबेंचर को हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया. देख लो ना आपकी एंट्री में कहीं डिबेंचर डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो क्या वो अपनी जगह से हिलेगा? तो ये डिबेंचर लिखना 5000. फिर एक बैंक लोन आपने रेस किया एंट्री नंबर 2 में 2000, सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड लिखा हमने. शेड्यूल 3 में ये भी लिखा है कि जो आपने सिक्योरिटी दी है उसको भी डिस्क्लोज करना. तो हमने क्या सिक्योरिटी दी है? प्लांट. सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट, सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट डिस्क्लोज करना है कि हमने प्लांट के अगेंस्ट में ये लोन रेस किया है. कल को हमने लोन वापस नहीं किया तो प्लांट लेकर चले जाएंगे. टोटल बोलना 7000. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाना, बॉरिंग लिखना 7000, टोटल करना. टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 22. ओके, एसेट साइड कितना था? सेम. वाह मजा आ गया, कमाल हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की एक अच्छी बात बताऊं, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ एंट्रीज करनी है. ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए एग्जाम में, कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है ना 5 मार्क के लिए. पहला क्वेश्चन होता है ना 20 मार्क, उसमें 5-5 मार्क के 4 रहते हैं. तो एक बार बहुत साल पहले ये आया था. बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कर लेते हैं, टाइम है अपने पास. बैलेंस शीट ऑफ एएसएफ लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, इज गिवन बिलो एज ऑन 31/3/2021. रुपीज इन 1000. आज आपका डिमोशन होता जा रहा है. पहले करोड़ से स्टार्ट किए, फिर लाख पे गए, अब 1000 पे आ गए. लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 800. सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व पी एन एल अकाउंट, ये 3 रिजर्व है, तीनों को ही आप यूज कर सकते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के लिए. डिबेंचर क्रेडिटर पीपीई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. स्टॉक डेटर बैंक एएसएफ लिमिटेड बाइज बैक 16,000 शेयर ऑफ 16,000 शेयर एट रुपीज 20 पर शेयर. ऑफ की जगह ऐड कर दो 16,000 शेयर एट रुपीज 20 पर शेयर. कितने शेयर बायबैक किया इन्होंने? 16,000. किस भाव पे? 20. और फेस वैल्यू कितनी है? 10. तो 16,000 इंटू 10 ये जाएगा सीआरआर में, और 16,000 इंटू 10 बायबैक प्रीमियम है 1,60,000 प्रीमियम, बायबैक
प्रीमियम, तो बायबैक प्रीमियम हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पे करेंगे, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में सिर्फ 100 ही है, जबकि हमें चाहिए 160, तो 160 हम या 60 यहां से यूज कर लें, कर लें, बोलो ना जोर से बोलो, कर लो, लेकिन पैसे नहीं है भाई साहब, सिर्फ 160 यहां पे, और टोटल हमें पे करना है 320। तो क्या किया इन्होंने, कंपनी सोल्ड ऑल इट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर 3,20,000। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो यहां पर है 300 का, इसको 320 में बेच दिया, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो पीएनएल अकाउंट को भी हम 20 से और बढ़ा देंगे, इज इट राइट। क्वेश्चन 5 मार्क का है, सिर्फ पास जर्नल एंट्रीज विद फुल नरेशन इफेक्टिंग द बायबैक, नरेशन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, सीआरआर ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड देन पेमेंट, 4 एंट्री 5 मार्क, 4 एंट्री 5 मार्क, अच्छा सौदा है। और नरेशन भी लिखना, नरेशन तो मैंने आपको लिखवा ही दिया ऑलरेडी, तो नरेशन विल बी होमवर्क, लिखो इन द बुक्स ऑफ एएसएफ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। बैलेंस शीट आप अगर चाहे तो वॉलंटरली बना सकते हैं एज अ होमवर्क, नहीं ऑप्शनल होमवर्क बैलेंस शीट, यानी ये 4 एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट बना के रहना है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट कोशिश करेंगे, जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट रुपीज इन 1000, 4 एंट्री लिखनी है, लगभग 20-22 लाइन ड्रॉ कर लो, लिख लिए। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 320 रुपीज इन 1000 लिखना है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 320 टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बोलो बैलेंस शीट में देखो कितना है, 300 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो 20, नरेशन बींग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। बाकी 3 नरेशन आप जो कल मैंने डिक्टेट करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसे आपको लिखना है। अगली एंट्री क्या होगी बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 160 लिखा, अब 160 आया कैसे, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो 16,000 शेयर्स इनटू रुपीज 10, तो वैसे आएगा 1,60,000, लेकिन हम रुपीज इन 1000 लिख रहे हैं इसलिए 160 लिखा है, ठीक है। एनी डाउट, 3 लाइन ब्लैंक रखो नरेशन के लिए, लिख दिया ब्लैंक छोड़ा। अगली एंट्री लिखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 100 या 160, लिखना चाहते हैं हम 160 लेकिन उतना बैलेंस ही नहीं है वहां पे, तो 100 लिखना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60, बैलेंसिंग फिगर का एक साइन लगाओ उसके ऊपर, जनरल रिजर्व के ऊपर 60 के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क लगाओ। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहां पर कैलकुलेशन लिखना, 16,000 शेयर इंटू रुपीज 320, ये 320 है, शेयर कैपिटल 160 है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 है तो बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व हो गया 60, बराबर लिखा सबने। एक बार वापस एंट्री में पढ़ता हूँ, देखना जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखा, 160 लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 100, जनरल रिजर्व डेबिट 60 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 320। नेक्स्ट एंट्री, पहले तीन लाइन ब्लैंक रखो, पहले तीन लाइन ब्लैंक रखो, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 320। इज इट राइट? बीच में कोई एंट्री गलत हो गई है क्या, आपको ऐसा लग रहा है, कुछ रिएक्शन आ रहा था क्या? थर्ड में क्या लिखा मैंने, मैंने बाद में, अच्छा पहले नहीं बताया, बाद में बताया, तो लिख लो बाद में बताया, तो भी बता तो दिया ना, बता तो दिया। अच्छा तीसरी एंट्री में मैंने शायद बोलते समय पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16, हाँ तो लिख दो ना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, अब लिख दो। यस, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। एक पेज ब्लैंक रखना जिनको बैलेंस शीट बनानी है वॉलंटरली ऑप्शनल, और जिनको नहीं बनाना है वो भी बना लो, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।